ओके स्टार्ट। हाय गाइस, दिस इज आकाश, वेलकम बैक। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्निंग्स के ऊपर। तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अर्निंग्स की, अर्निंग्स ट्रेड होती क्या है, एंट्री कब लेनी चाहिए, एग्जिट कब लेनी चाहिए और कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। एंड वी विल सी द अर्निंग्स फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट व्हाट लेट्स डिस्कस कि अर्निंग्स ट्रेड होती क्या है। तो अर्निंग स्टेट होती क्या है कि आपके हर हर साल में 4 क्वार्टरली अर्निंग्स होती हैं, ठीक है। जितनी भी कंपनी लिस्टेड है वो सारी अपनी अपनी अर्निंग्स शो करती हैं आफ्टर एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर 3 की अर्निंग्स अभी शुरू होने वाली है। तो जब वो कंपनीज अर्निंग अपनी डिस्क्लोज करने वाली होती है तो देर इज लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। किसी को नहीं पता कि टीसीएस का नंबर क्या आने वाला है या इनकी का नंबर क्या आएगा या सन टीवी का नंबर क्या आएगा। आई मीन टू से काफी सरप्राइज होता है, या आईटीसी की सिगरेट की फिगर कितनी आएगी, ये सब सरप्राइजेस होते हैं। तो ये सब सरप्राइजेस क्या होते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं। इस सरप्राइज को बायर अपने तरीके से ट्रेड करता है, सेलर अपने तरीके से ट्रेड करता है। अगर आप बायर हो ऑप्शन के, तो आप किसी व्यू के साथ जाते हो उसके अंदर, या तो आप बुलिश हो जाते हो या बियरिश हो जाते हो, या फिर आप कोई न्यूट्रल स्टांस लेते हो कि देयर विल बी अ मूव, अ बिग मूव, बट आई डोंट नो विच साइड इट विल बी। तो आप स्ट्रैडल ट्रायंगल के साथ जा सकते हो। और अगर सेलर हो तो सेलर बेसिकली क्या होता है, वो वोलेटिलिटी शॉर्ट करता है अर्निंग स्टेट के अंदर। वो ऑप्शंस को ही अज्यूम कि वोलेटिलिटी बहुत हाई है एंड इट हैज टू कम डाउन, एंड ही टेक द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड रिस्क ही टेक्स एंड ही ट्रेड्स ऑन वोलेटिलिटी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम क्या समझते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी ऐसा शो किया जाता है कि ये अर्निंग स्टेट आर फॉर सेलर, कि वो तो ऑप्शंस बेचते हैं, वोलेटिलिटी खाते हैं और दे मेक मनी, बायर्स डोंट मेक मनी। ऐसा नहीं है, आई बेसिकली सेल ऑप्शंस और बहुत हमें लॉस होता है, बहुत ट्रेड्स के अंदर हमें लॉस होता है, बट वी जस्ट मेक श्योर दैट वी मेक मोर प्रॉफिट ऑन आर विनिंग ट्रेड्स देन वी लूज ऑन द लूजिंग ट्रेड्स। तो कोई भी जी सकता है, ऑप्शन बायर भी जी सकता है, ऑप्शन सेलर भी जी सकता है, डिपेंड्स कि कौन राइट है अपने व्यू पर, स्क्रिप्ट के आईवी के व्यू पर और अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। एज वी ऑल नो कि देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप प्रोसेस। आपको अपना व्यू बनाना पड़ेगा स्क्रिप्ट के ऊपर, देन आईवी के ऊपर, एंड देन यू विल डिप्लॉय द स्ट्रेटजी। तो अगर आप बायर हो तो आपको आपका व्यू तो होगा स्क्रिप्ट के अंदर, दैट्स वाई यू आर गोइंग बुलिश और बियरिश और द न्यूट्रल स्टांस यू आर टेकिंग। और अगर आप सेलर हो तो तब भी आप यही काम करोगे, यही प्रोसेस फॉलो करोगे, बट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके की ट्रेड्स होती हैं फ्रॉम इन अर्निंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर एंड सेलर। अब इस केस के अंदर बायर को कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, अगर इफ इफ ही वॉन्ट्स टू मेक मनी इन दिस अर्निंग। तो 3 मिस्टेक्स उसको अवॉइड करनी चाहिए जो मुझे लगता है। पहली है इलिक्विड स्क्रिप्ट्स। आपका एफएनडो के अंदर अराउंड 200 कंपनीज हैं जिसमें 100 के अंदर हमेशा ही लिक्विडिटी मिल जाती है आपको, मोटी मोटी आप ट्रेड कर लेते हो, और अर्निंग्स के टाइम पे आपको 125-150 के अंदर मिल जाती है लिक्विडिटी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, इट्स इट्स ऑल्सो फॉर सेलर ऑल्सो, कि आपके ऑप्शन लिक्विड होने चाहिए। अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल टीसीएस के कोई कॉल बाय भी कर लिया है, इफ इवन इफ यू आर राइट ऑन योर व्यू, वैसे टीसीएस में ऐसा होता नहीं है, इट्स अ प्रीटी लिक्विड स्क्रिप्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल व्हिच इज नॉट जस्ट दैट इज नॉट नॉट लिक्विड नाउ, इट यूज्ड टू बी वेरी लिक्विड। आई यूज्ड टू शॉर्ट जस्ट दैट एट 70 आईवी, अब पता नहीं क्या चल रही होगी। तो इट इन अर्निंग सीजन तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। एक डिसेंट स्प्रेड होगा, जितना आपको लगता है कि ठीक है, रीजनेबल है, उतने स्प्रेड के साथ तो आप चले जाओ। अगर उसमें स्प्रेड है कि आप 4 रुपये का ऑप्शन खरीद रहे हो, आप 4 पे बैठे हो, वो 6 रुपये पे बैठा है, 6,000 का लॉट है, तो आप देखो ना स्प्रेड को उस बीच में कितना हो गया। तो यू नीड टू अवॉइड इलिक्विड स्क्रिप्ट्स। दूसरा, ऑप्शन बायर एक ये मिस्टेक करता है कि अगर आपका व्यू भी है किसी स्क्रिप्ट के ऊपर, अगर आप इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश व्यू ऑन टीसीएस और द बेरिश व्यू ऑन टीसीएस, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी आईवी क्या चल रही है। अब टीसीएस कितनी आईवी का शेयर है, 22 से 25 आईवी का शेयर है। अगर 50 की आईवी पे आप उसका पुट ऑप्शन खरीद भी लोगे और शेयर 5% गिर भी गया, तो आप क्या कमा लोगे इसके अंदर। तो आपको ये बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल।
2015 के आसपास की बात होगी, मैंने TCS का एक पुट ऑप्शन बाय किया। मैंने देखा शेयर शेयर वॉज अराउंड डाउन अराउंड 3 to 4%। मैं ऑफिस जा रहा था, नहीं यार अब तो मजा आ गया, तो 4-5% शेयर गिर गया, मैं तो पुट ऑप्शन डबल हो गया होगा। लेकिन वहां पे जाके देखा पुट ऑप्शन में लॉस में था, बिकॉज आई मस्ट हैव बॉट दैट ऑन हायर IV। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और हम भी नहीं समझते थे, ये मिस्टेक हर कोई करता है व्हेन ही स्टार्ट्स ऑप्शंस। तो आप जब ऑप्शन बाय करोगे तो आपको देखना है कि आपकी IV किस IV पे बाय कर रहे हो। जैसे हम IV पे IVR हम इतना फॉलो नहीं करते हैं, आपको फॉलो करना चाहिए, यू यू फॉलो IV पे IVR इनिशियली। आप देखो कि उसकी IVP और IVR 50 से ज्यादा ना हो और IVP 80 से ज्यादा ना हो, या फॉलो कर सकते हो कि ज्यादा महंगे ऑप्शन नहीं बिकने चाहिए। ये अगर ज्यादा महंगा आप खरीद लोगे तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको करना क्या है, जब आप एंट्री करोगे एज अ बायर, तो आप देखो अगर इफ यूर बाइंग कॉल ऑप्शन इन TCS, TCS की IV 25 IV पकड़ लो। अगर आपने 50 के IV पे बाय कर लिया, आपने बोला नहीं मेरा सॉलिड व्यू है, कल तो TCS भागेगा ही 10%, अगर आपने उसकी 50 के IV पे कर भी लिया, तो देर आर सो मेनी पे ऑफ अवेलेबल अवेलेबल फ्री। गूगल पे जाओ, पे ऑफ खोलो और ये डालो उसके अंदर कि भैया अगर कल मेरा शेयर 10% ऊपर खुलता है, 5% ऊपर खुलता है TCS, उसकी IV 25 IV का शेयर है, 50 का आपने खरीदा है, तो 25 तो कल हो नहीं जाएगी IV क्रश होकर। वो लेट सपोज 33 होती है, 30 होती है, सुबह 35 खुलती है, तो 15 पॉइंट का डेंट है ऑफ अराउंड 30%। तो 30% IV जब गिरेगी, एक दिन मेरा कम हो जाएगा दो, और शेयर में 5% का मूव हो जाएगा, तो मेरे ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। अगर आप ये छोटा सा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस राइट होनी चाहिए कि कल मेरी स्क्रिप्ट यहाँ खुलेगी, क्योंकि अगर आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आपका व्यू तो है ही नहीं स्क्रिप्ट पे, यू आर एक्सपेक्टिंग कल 5% ऊपर खुलेगी, तो उस व्यू के हिसाब से कल आपको देखना है कि मेरा ऑप्शन की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर वो ऑप्शन की वैल्यू, आपने 10 रुपये का ऑप्शन खरीदा है और आपको पता है अगर सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो कल बिकेगा 11 का, क्या इज इट वर्थ टेकिंग अ रिस्क फॉर 1 रुपी? क्योंकि अगर आप गलत हुए IV क्रश के बाद, एक तो आपको डायरेक्शन पर राइट होना है और दूसरा IV तो आपके अगेंस्ट है ही। अगर कल IV नीचे खुल गई ज्यादा और डायरेक्शन में आप गलत हो गए, तो जो आपने खरीदा होगा 10 रुपये का ऑप्शन, वो 2 रुपये का भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने डिस्कस किया, एक तो आपकी लिक्विड स्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपको हाई IV पे नहीं खरीदना है, आपको IV कम खरीदनी है, और तीसरा आपका होल्डिंग पीरियड। देखो ये चीज बहुत मुश्किल होती है टू बुक अ लॉस, लॉस बुक करना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी ऑप्शन में घुसे, आपने कितने का लिया, आपने बोला चलो यार 5,000 रुपये का मेरी टोटल कॉस्ट थी, कोई बात नहीं आ जाएगा मेरी वैल्यू पे, वो ऐसा होता नहीं है, वो ऑप्शन जीरो ही हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप एक व्यू के साथ गए, फॉर एग्जाम्पल TCS के अंदर आप गए कि कल 5% बढ़ रहा है, तो आपको कोई व्यू है, कोई एक्सपेक्टेशन होगी आपकी। जैसे ही नंबर रिलीज होंगे TCS के, आप देखो BSE NSE पे आता है, आप देखो उसके नोटिस के अंदर कि क्या जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे आए हैं नंबर या नहीं आए नंबर। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए हैं तो आप उसमें से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे होगे नंबर कि उसकी सेल का रेवेन्यू का नंबर इतना आएगा या उसकी कॉन्स्टेंट करेंसी के अंदर ग्रोथ इतनी आएगी, अगर वो नहीं आई है, अगर आप यू आर रॉन्ग ऑन योर व्यू, तो उस केस के अंदर आपको अपने ऑप्शन को बुक कर देना चाहिए, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा उसके वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी डिस्कस अबाउट 3 मिस्टेक्स। ऑप्शन बाय शुड अवॉइड, पहला इलिक्विड स्किप में नहीं जाना, दूसरा होल्डिंग पीरियड को छोटा रखना है, और तीसरा आपको महंगी IV नहीं खरीदनी है। ऑलराइट गाइस, आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।